दोस्तों नमस्कार, जय माता दे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ शुगर वाले भाई बहनों के लिए कद्दू के बीज, जो शुगर वालों के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं। जैसा कि आप सभी भली प्रकार से जानते हैं, कद्दू शुगर में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, परंतु उससे भी ज़्यादा गुणकारी होते हैं कद्दू के बीज। कुछ लोग क्या करते हैं, कद्दू की सब्जी बनाते हैं और बीज को फेंक देते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कद्दू के बीज के फायदे और शुगर में इसका कैसे सेवन करना है, यह भी बताऊंगी। उससे पहले तमाम शुगर व बीपी वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ, जैसा मैं हर बार करती हूँ, कि दोनों समय सैर जरूर करें, 45 मिनट सुबह 45 मिनट शाम को। अगर आप सैर पर नहीं जा सकते, कुछ भाई बहन कहते हैं कि हम सैर पर नहीं जा सकते, तो घर पर ही हल्की फुल्की व्यायाम जरूर करें और अपने घर की छत पर सैर करें। अब जान लेते हैं कद्दू के बीज के फायदे। कद्दू के बीज में मैग्नीशियम फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के, आयरन, प्रोटीन और ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। शुगर वालों के लिए कद्दू के बीज इंसुलिन नियंत्रित करने का काम करते हैं और तनाव को दूर करने में मदद करता है। अगर आप कद्दू के बीज का सेवन करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आइए जानते हैं कद्दू के बीज का सेवन कैसे करें। सबसे पहले तो यह देखिए कद्दू के बीज, यह कद्दू के बीज हमने कद्दू से निकाल कर रखे। जैसे आप कद्दू लेकर आते हैं, आप उसके बीज निकाल कर रख सकते हैं। ये बिना छीले बीज है और यह बीज हमने छील कर रखे हैं। छीले छलाए बीज बाजार से आसानी से मिल जाते हैं, ये देखिए ऐसे उनका थोड़ा कलर चेंज होता है। अब ये देखिए, अगर आप चाहे तो एक चम्मच कद्दू के बीज का ऐसे चबा चबा कर खा सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो आप कद्दू के बीज थोड़े सब्जी में भी डाल सकते हैं, या फिर आप इनका पाउडर बना सकते हैं। ये देखिए मोमदस्ता लेंगे और इसमें बीज डाल देंगे, इनको थोड़ा पीस लेंगे, ये बहुत ही आसानी से पीस जाते हैं। ये देखिए इनका पाउडर बना लेना है ऐसे। अब पाउडर बनाने के बाद आप इसका आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर बने रहें, नई नई जानकारी पाते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दोस्तों।